प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों देर आर टू अप्रोचेस, अमेरिकन अप्रोच एंड इंग्लिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच हम कर चुके हैं डिटेल में, इंग्लिश अप्रोच हमने कल स्टार्ट की थी, आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चों एज यू नो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। कल के लेक्चर में पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट हमने डिस्कस कर लिया था कि दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉमिनल अकाउंट्स। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि नॉमिनल अकाउंट्स होते क्या है, कौन से अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे। बच्चों नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन। बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी लॉस है, कोई भी इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है, ऑल दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स। अभी एक्सपेंस क्या होता है, लॉस क्या होता है, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज गेन, इन सबके मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, वहां सारी बातें आपको बताई गई थी। फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट, बच्चों बात मैं कर रहा हूं सैलरी अकाउंट, आपने आइडेंटिफाई करना है पर्सनल, रियल, नॉमिनल। नॉमिनल मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है, गेन है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। अब आप आइडेंटिफाई करिए सैलरी अकाउंट पर्सनल, रियल या नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट, व्हाई? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। ठीक है, और पूछता हूं बच्चों आपसे, रेंट पेड अकाउंट, हमने अपनी दुकान का रेंट पे किया है, रेंट अकाउंट या रेंट पेड अकाउंट। देखिए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, दिस इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो इट इज एन एक्सपेंस। क्लियर है? इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, हमने कहीं बैंक में एफडी बनवा रखी है, किसी को लोन दे रखा है, तो बदले में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ये कौन सा अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज इट इज एन इनकम। बच्चों इंटरेस्ट अगर हमने पे किया है, एक होता है इंटरेस्ट पेड अकाउंट, एक होता है इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, तो चाहे इंटरेस्ट पेड अकाउंट है चाहे इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट है, बोथ आर नॉमिनल अकाउंट्स। एक्सपेंस है तो भी नॉमिनल अकाउंट, इनकम है तो भी नॉमिनल अकाउंट। ऐसे बच्चों जब जर्नल वाला चैप्टर हम करेंगे तो वहां पर एक टॉपिक आएगा डिस्काउंट, एक होता है डिस्काउंट अलाउड जो हम कस्टमर को देते हैं जो कि हमारे लिए एक्सपेंस है, एक होता है बच्चों डिस्काउंट रिसीव जो हमें मिलती है जो हमारे लिए इनकम है। अब अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कोई कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, अगेन नॉमिनल अकाउंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एक्सपेंस है, इनकम है, लॉस है, गेन है, ऑल दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स। तो देखो बच्चों मीनिंग मैंने आपको सबका बता दिया, पर्सनल अकाउंट का भी, रियल अकाउंट का भी, नॉमिनल अकाउंट का भी। अगर मैं कोई अकाउंट बोलता हूं तो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वेदर दिस इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब देखिए इसका डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है। डेबिट क्रेडिट करने का रूल बड़ा सिंपल है, रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी लॉस है, आपने उसको डेबिट कर लिया ऑलवेज। कोई भी इनकम है, कोई भी गेन है, उसको आपने क्या करना है, क्रेडिट। बच्चों एग्जांपल देके बता दो, देखिए ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड ₹5,000, सैलरी पेड ₹5,000। अब देखिए विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है बच्चों, हमें पता है कि वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड, बट विद रूल्स हम चलेंगे। चलो पहले इसकी बात करते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए पर्सनल, रियल के नॉमिनल, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। अब हम इसे डेबिट करें या क्रेडिट,
तो देखो बच्चों, हमने वर्कर्स को, इंप्लॉइज को सैलरी दी है, हमारी फर्म के लिए एक्सपेंस ही इनकम है। फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड विद रूपीज 5000। अब बात करते हैं कैश अकाउंट की, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। दिस इज रियल अकाउंट। मैंने कहा था बच्चों, मोस्टली जो एसेट्स हैं, मोस्टली कह रहा हूं, सभी एसेट्स नहीं। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कुछ एक्सेप्शन बताए थे, बट ऑफन द एसेट्स आर क्लासिफाइड, द एसेट्स आर नोन एज रियल अकाउंट्स। नॉर्मली जितनी भी एसेट्स हैं वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आती है। तो कैश अकाउंट की नेचर क्या है? रियल अकाउंट। रूल आपको याद होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए, यहां पे कैश बिजनेस में आया या बिजनेस से गया? कैश तो गया, पेमेंट करिए, तो हम इसे क्या करेंगे? क्रेडिट विद रूपीज 5000। देखो बच्चों, क्लियर? सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एक और ट्रांजेक्शन लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड रूपीज 1000। हमने किसी को लोन दिया हुआ है या किसी कहीं पर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो बदले में हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड? बच्चों साथ साथ आपने सोचते रहना, विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड? नंबर वन कैश अकाउंट, नंबर टू देखिए, नंबर टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट भी कह सकते हो, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट भी कह सकते हो, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैश अकाउंट नेचर रियल अकाउंट, रूल आपको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए, कैश आया है हमारे पास या गया है? कैश तो आया है, मिले हमें 1000, तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड विद रूपीज 1000। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल? दिस इज नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए बच्चों, हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है? ये तो फायदा है, इनकम है हमारे लिए, और इनकम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, क्रेडिट का इनकम से गेन। कोई कहता है क्रेडिट क्यों करा, तो आपने कहना है बिकॉज इट इज एन इनकम। क्रेडिट कितने से करेंगे? 1000। तो ये था बच्चों इंग्लिश अप्रोच, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, मीनिंग मैंने सबका बता दिया, रूल्स मैंने आपको बता दिए। एक छोटा सा टॉपिक इसमें और रह गया, मैं कल आपको कह रहा था कि जो पर्सनल अकाउंट्स है इसकी भी फर्दर कैटेगरीज है। पर्सनल अकाउंट कैन फर्दर बी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। इसकी भी आगे 3 कैटेगरी है, देखिए। नंबर 1 है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड नंबर 3 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब पहले बात कर रहा हूं मैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब है। बच्चों नेचुरल मींस नेचुरल, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, लाइक राम अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, श्याम अकाउंट, सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, सचिन अकाउंट। किसी भी ह्यूमन बींग का अगर नेम है तो किस कैटेगरी में आएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? नंबर 2 पे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, किसी भी बंदे का नाम है, राम, श्याम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, ऑल दीज आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नंबर 2 है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल। बच्चों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी फर्म, कंपनी,
or institution, organization. किसी फर्म का अकाउंट है, किसी कंपनी का अकाउंट है, किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है. ऑल दीज आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स. जैसे कि फर्म की अगर बात करें, रामलाल एंड सन्स अकाउंट, एक फर्म है रामलाल एंड सन्स, उस फर्म का अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. कंपनी की अगर बात करें, रिलायंस लिमिटेड अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, डीएवी पब्लिक स्कूल अकाउंट, दिस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. तो दो कैटेगरी होगी बच्चों, एक नेचुरल जो ह्यूमन बीइंग है, और जो ह्यूमन बीइंग नहीं है वो किस कैटेगरी में आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो इन दोनों कैटेगरी में आ गया, थर्ड कैटेगरी में क्या आएगा. थर्ड कैटेगरी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. बच्चों कल जब मैं इसका मीनिंग डिस्कस कर रहा था पर्सनल अकाउंट, तो मैंने आपको क्या कहा था, इंडिविजुअल, एनी अकाउंट रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, यही बताया था. अब इसमें से जो अकाउंट इंडिविजुअल से, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है वो इस कैटेगरी में आ गया, जो अकाउंट इनसे रिलेटेड है वो इस कैटेगरी में आ गया. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कैटेगरी तो एक और है, That is representative personal account. तो इसमें कौन सा अकाउंट आएगा, ध्यान से सुनिए, इसके टाइटल से ही क्लियर है, रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ persons. एनी अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ persons, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को या ग्रुप ऑफ persons को रिप्रेजेंट करता है. अभी आपको समझ नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करता हूं बच्चों, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए बच्चों, एक टर्म मैंने आपको बताई थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. जैसे मैं बात कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, दुकान के वर्कर है हमारी जिसको हम सैलरी देते हैं बच्चों 5000 पर मंथ, अप्रैल से लेके जनवरी तक की सैलरी हमने पे कर दी, लास्ट के जो दो महीने हैं फेब और मार्च वो सैलरी भी पेंडिंग है, तो 5000 पर मंथ के हिसाब से दो महीने की सैलरी बनती है 10,000, जिसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000. ठीक है बच्चों, हमारा कोई वर्कर है, इंप्लॉई है, और उसका नाम है मोहन. अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है 10,000. क्वेश्चन है कि पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है. बच्चों दिस इज पर्सनल अकाउंट, दिस इज पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. कैसे, ये जो बच्चों 10,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये हमें 10,000 देने तो पड़ेंगे, आज नहीं तो कल हमें पे करने पड़ेंगे. और ये 10,000 हमने किसको देनी है, इंप्लॉई को देनी है. इंप्लॉई को मैं कह रहा था मोहन, हमारे इंप्लॉई का नाम सपोज मोहन है, ये हमने मोहन को देनी है. ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे इंप्लॉई मोहन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मोहन को ना पर्सनल अकाउंट. तो बच्चों दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन. क्लियर है, और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट 6,000. बच्चों हमने अपने लैंडलॉर्ड को, दुकान हमने किराए पे ली हुई है, और हमने अपने लैंडलॉर्ड को अगले साल का भी 2-3 महीने का किराया एडवांस दे दिया. हम अकाउंट्स कब क्लोज करते हैं, 31 मार्च. फाइनल अकाउंट्स कब बनाते हैं, 31 मार्च. और सपोज हमने अप्रैल, मई और जून अगले 3 महीने का रेंट एडवांस दे दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट 6,000. ये बातें हमने की थी अकाउंटिंग इक्वेशन में. अब बच्चों फिर वही क्वेश्चन है कि प्रीपेड रेंट अकाउंट की नेचर क्या है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल. यहां पर ये 6,000 हमने एडवांस दिए हुए हैं, किसको दे रखा हमने एडवांस, अपने लैंडलॉर्ड को, और लैंडलॉर्ड कौन है, वो पर्सनल अकाउंट है. बच्चों ये अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि पर्सनल अकाउंट है.
तो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, प्रीपेड रेंट अकाउंट है, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने दो अकाउंट लिखे हैं, सैलरी अकाउंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अगर आपसे पूछा जाता है एज पर इंग्लिश अप्रोच व्हाट इज द नेचर ऑफ सैलरी अकाउंट, पर्सनल रियल और नॉमिनल, क्या कहोगे? इस अकाउंट के नेचर क्या है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट, नो डाउट, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। लेकिन अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट एज पर इंग्लिश अप्रोच, हम इंग्लिश अप्रोच की बात कर रहे हैं जिसमें तीन कैटेगरी होती है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इसकी नेचर क्या है बच्चों? ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। आउटस्टैंडिंग वर्ड लगते ही एकदम से अकाउंट बदल जाता है, अकाउंट की नेचर चेंज हो जाती है। फिर बता रहा हूं, सैलरी अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज नॉट नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज पर्सनल अकाउंट, अभी डिस्कस किया था। ऐसे ही बच्चों रेंट अकाउंट और एक है प्रीपेड रेंट अकाउंट। बच्चों इन दोनों अकाउंट्स की नेचर में भी डिफरेंस है। कोई पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ रेंट अकाउंट एज पर इंग्लिश अप्रोच, तो दिस इज नॉमिनल अकाउंट, नो डाउट। लेकिन अगर कोई कहता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीपेड रेंट अकाउंट, बच्चों प्रीपेड वर्ड लगते ही अकाउंट की नेचर बदल जाती है, अकाउंट का मीनिंग बदल जाता है। ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, मेक इट क्लियर, दिस इज पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बच्चों ध्यान रखना, जैसे ही किसी अकाउंट के साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड लगता है, प्रीपेड वर्ड लगता है, एकदम से उस अकाउंट की नेचर चेंज हो जाती है और वो अकाउंट क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एज पर इंग्लिश अप्रोच। ठीक है बच्चों, अमेरिकन अप्रोच, वहां पर मैंने अकाउंट्स की आपको फाइव कैटेगरीज बताई, एसेट अकाउंट, लाइब्रेरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस और लॉस अकाउंट, इनकम और रिवेन्यू अकाउंट। लेकिन इंग्लिश अप्रोच की अगर बात करें, जो कि ट्रेडिशनल ओल्ड अप्रोच है, इसमें अकाउंट्स की हमने थ्री कैटेगरी बनाई है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो ये थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और अगर आप ध्यान से इन दोनों अप्रोचेस को देखोगे तो जो बातें अमेरिकन अप्रोच में सिखाई गई थी वही बातें यहां पर सिखाई गई है। मैंने पहले ही आपको कहा था, ये नहीं कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, वहां पे कुछ अलग बोलते हैं यहां पे, ऐसा नहीं है। जैसे अगर अमेरिकन अप्रोच की हम बात करें, वहां पे क्या रूल था, एसेट अगर इंक्रीज होती है डेबिट, एसेट डिक्रीज होती है क्रेडिट। तो यहां पर भी आपको यही पढ़ाया गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट आ रही है डेबिट, एसेट जा रही है क्रेडिट, बातें वही है, थोड़ा सा कहने का तरीका बदल गया। तो बच्चे ये रूल्स आपने तैयार करने हैं, जब तक ये दोनों अप्रोच क्लियर नहीं होगी, ये सारे रूल्स आपको याद नहीं होंगे, तब तक आप इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है जर्नल, जो कि अपनी पूरी अकाउंटेंसी का बेस है। बच्चों अकाउंटेंसी में खेल जर्नल का है, जर्नल अगर आपको समझ आ गया, जर्नल अगर आपको पक्का है, अपनी पूरी अगली प्रोसेस जर्नल के ऊपर ही बेस्ड है और जर्नल इन रूल्स के ऊपर बेस्ड है। अगर ये रूल्स आपको आते हैं तो जर्नल आएगा, और जब जर्नल समझ आएगा तो अगली अकाउंटेंसी आपको समझ आएगी। मैंने कहा था बच्चों ऑल द चैप्टर्स आर इंटररिलेटेड, अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, लॉजिकल है, बट ये सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे कल परसों ब्रेक रहेगा ताकि आप ये रूल्स तैयार कर लो, और मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर जर्नल। थैंक यू वेरी मच।